सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। इंग्लैंड की बैटिंग का स्टार्टिंग में 7 ओवर 65 रन थे कुछ अराउंड, और जैसे मैं बॉल डालने आया तो फर्स्ट ओवर बस चेक किया विकेट कैसा है, विकेट कैसा बिहेव कर रहा है। विकेट थोड़ा ड्राई था, थोड़ा सा टर्न होने का चांस लग रहा था विकेट में, पर स्टार्ट में वैसा टर्न नहीं हुआ। चहल बॉल डाला तो बोला कि टर्न नहीं हो रहा इतना, थोड़ा सा रुक रहा है बॉल। जब पहला मैंने स्टार्ट किया बॉलिंग करना तो फिर मैं थोड़ा पेस वेरी किया कि हाँ थोड़ा स्लो डालूंगा तो शायद चांसेस रहेंगे, बैट्समैन को फीट मूवमेंट करेगा तो ये तो ही इजी है बैटिंग करना। पर उसके बाद जब सेकेंड ओवर डालने आया तो पेस थोड़ा खींचा मैंने, कम किया पेस और फ्लाइट थोड़ा रखा ज़्यादा, मेंटेन किया एक जगह स्पॉट, मतलब लेंथ अच्छा रखा। उसके बाद फर्स्ट विकेट यान मॉर्गन फर्स्ट सेकेंड ओवर में, थर्ड ओवर में शायद। उसके बाद फिर बॉल टू बॉल मैं डालता गया, यही प्लान था कि उनको स्ट्रेच करना पड़े, उनको इजी बॉल उनके बैट पे ना मिले। मैं अपनी पेस से नहीं देना, उनको पेस नहीं देना चाहता था कि पेस से उनको ईजी हो जाएगा बैटिंग करना, तो मैं पेस वेरी कर रहा था उसी वजह से। लोग सभी विकेट अच्छे थे, पांच विकेट इम्पोर्टेंट विकेट थे टीम के लिए और पांचों विकेट बहुत इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए भी। नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मैं कभी बैट्समैन को देख के बॉल नहीं डालता। मेरा हमेशा रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, डिपेंड करता है कि आपके सामने जॉस बटलर बैटिंग कर रहा था मेरे सामने, तो मैं उसको काफ़ी बॉलिंग की है, मैंने आईपीएल में भी बॉलिंग की है, उससे पहले भी मैंने काफ़ी बॉलिंग की, तो मुझे उसके प्लान्स पता थे। मुझे पता था ये मेरे पे चांसेस नहीं लेगा, सिंगल डबल या चांस लेगा अभी नहीं मारेगा, तो मैं उसको सिंगल देके भी खुश था। मैं सोच रहा था कि दूसरा बैट्समैन कभी खेला नहीं मुझे, तो मेरे पास चांसेस है उसको आउट करने का, तो मेरा ये प्लान था। इजी तो नहीं था क्योंकि आप किसी भी, इंग्लैंड बहुत अच्छी साइड है, वनडे क्रिकेट T20 में बहुत अच्छा खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलते हैं वो लोग। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेंथ से बॉल डाले। आप कोई, अगर आप इस लेंथ से बॉलिंग करेंगे तो कोई भी बैट्समैन होगा तो स्ट्रगल करेगा, नो मैटर आप कोई भी बैटिंग कर रहा हो। मैं ये नहीं, पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि कोई भी प्लेयर एक इंडिविजुअल बैटिंग कर रहा हो, पर आप एक अच्छे से लाइन, एक अच्छे लेंथ से बॉल डालेंगे, आपके वेरिएशन अच्छे हैं, तो आप किसी भी टीम के साइड, किसी की टीम के साइड भी बॉल डालें तो वो स्ट्रगल करेगी। साउथ अफ्रीका में भी वही हुआ था। एक इंपॉर्टेंट होता है कि स्पिनर्स के लिए एक लाइन, एक लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस लेंथ पे अगर वो पेस वेरी कर रहा है, अपने वेरिएशन अच्छे रख रहा है, तो स्ट्रगल बैट्समैन करता है। लुक, फॉर मी इट्स माई फर्स्ट टूर इन इंग्लैंड एंड थिंग्स आर गोइंग क्वाइट वेल फॉर मी एंड एज यू कंपेयर टू इंग्लिश बैट्समैन, बट आई नेवर बॉल टू देम, सो इट्स first it's easy to bowl against them, and probably after this game and probably next few games are coming up, so probably they prefer very well for me against one day and T20, so looking forward for the next to T20 and one day. You got both Root and Bairstow for Golden Ducks, that must be proud achievement, two batsmen like that. Yeah, obviously they are quality batsman, and it's a very good feeling, when you took two wickets on a trot, and obviously it's also gives a chance for your team to build a momentum for your all the bowlers. So it was amazing, and the third over was brilliant, I guess, and three wickets in an over and really changed the game for us. Two more questions. जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, मैं बॉलिंग करता था तो मेरे कोच कपिल सर मुझे
एक जगह मुझे खड़े होकर बॉलिंग कराते थे कि बैट्समैन को छक्के मारने दो, देखता हूँ कि वो कितने छक्के मारता है। तो मैं उसी उसकी ड्रिल भी करता था कि मैं छक्के खाने की प्रैक्टिस करता था ताकि मैं कभी मैच पे छक्के खाऊं तो मुझे प्रेशर फील ना हो। तो वो चीज़ मुझे बचपन में सर ने सिखाई और आज भी मैं कभी डरता नहीं बॉलिंग करने से, छक्के खाने से। अगर कोई बैट्समैन मुझे छक्का मारता है तो ऑब्वियसली अगर मेरी गलती होती तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने वो बॉल नहीं डाला। अगर बैट्समैन अच्छे शॉट मारता तो मुझे कभी फील नहीं होता। और अगर आपको विकेट निकालने हैं तो आपको बॉल टर्न कराना आना चाहिए। अगर आप बॉल टर्न नहीं करा रहे, बॉल ड्रिफ्ट नहीं हो रहा आपका, तो स्पिनर्स स्पिनर्स नहीं है। आप गेम नहीं चेंज कर सकते। जैसे कोई भी गेम हो, अगर आप अगर स्पिनर्स आपके 4 विकेट 5 विकेट T20 में निकाल के दे तो आपकी टीम हमेशा ऊपर आ जाती है। तो जो चीज़ मैंने बचपन में सीखी मैं उसी को भी यहीं पर फॉलो करता हूँ और मुझे कभी डर नहीं लगा मार खाने से। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए। फाइनल क्वेश्चन जैसे आपने कहा कि आपका पहला इंग्लैंड दौरा है और जो स्टैंड में जो इतना खचाखच इंडियन फैंस भरा है, कभी कितना इंस्पायर कर रहे थे वो आपको और ये आगे ऐसे देखने को मिलेगा हर एक वेन्यू में? डेफिनेटली, अगर आप मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं बाहर खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने होम कंडीशंस में खेल रहा हूँ। क्राउड पूरा था, इंडियन सपोर्ट कर रहे थे, जिस जगह भी फील्डिंग कर रहा था तो हर जगह इंडियन ही दिख रहे थे। तो बकअप अच्छा कर रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे। तो क्राउड हमेशा आपको बैक करता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और टीम के लिए, और वो चाहते हैं कि इंडिया टीम परफॉर्मेंस अच्छा करे और होपफुली आगे वाले मैचों में भी इस तरह से क्राउड आएगा तो बहुत खुशी होती है। इंग्लैंड की बैटिंग का स्टार्टिंग में 6 ओवर 7 ओवर 65 रन थे कुछ अराउंड। जैसे मैं बॉल डालने आया तो फर्स्ट ओवर बस चेक किया विकेट कैसा है, विकेट कैसा बिहेव कर रहा है। विकेट थोड़ा ड्राई था, थोड़ा सा टर्न होने का चांस लग रहा था विकेट में, पर स्टार्ट में वैसा टर्न नहीं हुआ। चहल बॉल डाला तो बोला कि टर्न नहीं हो रहा इतना, थोड़ा सा रुक रहा है बॉल। पहला मैंने स्टार्ट किया बॉलिंग करना तो फिर मैं थोड़ा पेस वेरी किया कि हाँ थोड़ा स्लो डालूंगा तो शायद चांसेस रहेंगे, बैट्समैन को फीट मूवमेंट करेगा तो ही ईजी है बैटिंग करना। पर उसके बाद जब सेकेंड ओवर डालने आया तो पेस थोड़ा खींचा मैंने, कम किया फिर पेस और फ्लाइट थोड़ा रखा ज़्यादा, मेंटेन किया एक जगह स्पॉट, मतलब लेंथ अच्छा रखा। उसके बाद फर्स्ट विकेट आई ऑन मॉर्गन फर्स्ट सेकेंड ओवर में, थर्ड ओवर में शायद। उसके बाद फिर बॉल टू बॉल मैं डालता गया। यही प्लान था कि उनको स्ट्रेच करना पड़े, उनको इजी बॉल उनके बैट पे ना मिले। मैं अपनी पेस से नहीं देना, उनको पेस नहीं देना चाहता था कि पेस से उनको ईजी हो जाएगा बैटिंग करना। तो मैं पेस वेरी कर रहा था उसी वजह से। लुक सभी विकेट अच्छे थे, यू नो 5 विकेट इम्पोर्टेंट विकेट थे टीम के लिए और 5वें विकेट बहुत इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए भी। यस कुलदीप, आप नए बैट्समैन को गुगली डालना, आप कहते हैं गुगली रीड करना आपका बड़ा मुश्किल है, तो नए बैट्समैन को जब गुगली डालते हैं तो क्या सोच के डालते हैं कि नहीं अभी नहीं खेलते क्या? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। मैं कभी बैट्समैन को देख के बॉल नहीं डालता। मेरा हमेशा रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, डिपेंड करता है कि आपके सामने जॉस बटलर बैटिंग कर रहा था मेरे सामने तो मैं उसको काफ़ी बॉलिंग की है, मैंने IPL में भी बॉलिंग की है, उससे पहले भी मैंने काफ़ी बॉलिंग की, तो मुझे उसके प्लान्स पता थे। मुझे पता था ये मेरे पे चांसेस नहीं लेगा, सिंगल डबल या चांस लेगा अभी नहीं मारेगा, तो मैं उसको सिंगल दे के भी खुश था। मैं सोच रहा था कि दूसरा बैट्समैन कभी खेला नहीं मुझे तो मेरे पास चांसेस है उसको आउट करने का, तो मेरा ये प्लान था। इजी तो नहीं था क्योंकि आप किसी भी, इंग्लैंड बहुत अच्छी साइड है, वनडे क्रिकेट T20 में बहुत अच्छा खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलते हैं वो लोग। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेंथ से बॉल डाले। आप कोई, अगर आप इस लेंथ से बॉलिंग करेंगे तो कोई भी बैट्समैन होगा तो स्ट्रगल करेगा, नो मैटर आप कोई भी बैटिंग कर रहा हो। मैं ये नहीं पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि कोई भी प्लेयर एक इंडिविजुअल बैटिंग कर रहा हो, पर आप एक अच्छे से लाइन, एक अच्छे लेंथ से बॉल डालेंगे, आपके वेरिएशन अच्छे हैं तो आप किसी की टीम के साइड भी बॉल डालें तो वो स्ट्रगल करेगी। साउथ अफ्रीका में भी वही हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट होता है कि स्पिनर्स के लिए एक लाइन, एक लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस लेंथ पे अगर वो पेस वेरी कर रहा है, अपने वेरिएशन अच्छे रख रहा है तो स्ट्रगल बैट्समैन करता है। लुक फॉर मी इट्स माई फर्स्ट टूर इन इंग्लैंड एंड
things are going quite well for me, and as you compare to English batsmen, but I never bowl to them, so it's first it's easy to bowl against them, and probably after this game and probably next few games are coming up, so probably they prefer very well for me against one day and T20. So looking forward for the next T20 and one day. You got both Root and Bairstow for Golden Ducks. That must be proud achievement. Two batsmen like that, first of all. Yeah, obviously they are a quality batsman, and it's a very good feeling, when you took two wickets on a trot, and obviously it's always also gives a chance for your team to build a momentum for your all the bowlers. So it was amazing, and I mean the third over was brilliant, I guess, and three wickets in an over and really changed the game for us. Two more questions. Yes, you want to answer? Yeah. स्पिनर के लिए ये बॉल ऊपर नहीं डालोगे तब तक वो उछाल नहीं मिलेगी ये पेपर पे रहना ठीक है लेकिन ये मैच सिचुएशन में टफ सिचुएशन में करना इसके लिए जो बड़ा दिल है वो कहां से आता है जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था मैं जब बॉलिंग करता था तो मेरे कोच कपिल सर मुझे एक जगह मुझे खड़े होकर बॉलिंग कराते थे कि बैट्समैन को छक्के मारने दो देखता हूँ कि वो कितने छक्के मारता है तो मैं उसकी ड्रिल भी करता था कि मैं छक्के खाने की प्रैक्टिस करता था ताकि मैं कभी मैच पे छक्के खाऊं तो मुझे प्रेशर फील ना हो तो वो चीज़ मुझे बचपन में सर ने सिखाई और आज भी मैं कभी डरता नहीं बॉलिंग करने से छक्के खाने से अगर कोई बैट्समैन मुझे छक्का मारता है तो ऑब्वियसली अगर मेरी गलती होती तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने वो बॉल नहीं डाला अगर बैट्समैन अच्छे शॉट मारता तो मुझे कभी फील नहीं होता और अगर आपको विकेट निकालने हैं तो आपको बॉल टर्न कराना आना चाहिए अगर आप बॉल टर्न नहीं करा रहे बॉल ड्रिफ्ट नहीं हो रहा आपका तो स्पिनर्स नहीं है आप गेम नहीं चेंज कर सकते जैसे कोई भी गेम होगा अगर स्पिनर्स आपके पांच विकेट T20 में निकाल के दे तो आपकी टीम हमेशा ऊपर आ जाती है तो जो चीज़ मैंने बचपन में सीखी मैं उसी को भी यहीं पर फॉलो करता हूँ और मुझे कभी डर नहीं लगा मार खाने से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें धन्यवाद